जय जिनेंद्र दोस्तों, आ गई हूँ एक बार फिर से आपके साथ थोड़ा सा समय बिताने। तो कैसे हैं मेरे सभी दोस्त? ऑल गुड ना? जी हाँ, हमेशा ही बढ़िया रहना है दोस्तों। दोस्तों, बदलाव प्रकृति का नियम है। आज जो है, आने वाले कई सालों में शायद वैसा ना रहे। देखिए, रात के बाद दिन होता है, सूरज के जाने के बाद चांद निकलता है, मौसम का पलटना, देखिए बदलाव बदलाव बेहद जरूरी है। और बदलाव के लिए किसी अच्छे मुहूर्त का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब जिस पल ये लगे कि हमें ये चीज़ कर लेनी चाहिए, तो दोस्तों वो समय ही सबसे शुभ मुहूर्त है। ठानिए अपने दिल में और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करके कर लीजिए उस कार्य को। यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो आज से 20-25 साल पहले की दुनिया और आज की दुनिया, कितना बदलाव है दोनों में। कितनी प्रगति हो गई है, कितनी आधुनिकता आ गई है। और यदि ऐसा नहीं होता तो हम कितने पिछड़े हुए रह जाते। हमारा देश दुनिया में बहुत पीछे होता दोस्तों। आज भारत का नाम पूरी दुनिया में बड़े गर्व से लिया जाता है। देखिए, पेड़ पौधे भी अपने पुराने पत्तों को छोड़कर नए पत्तों का सृजन करते हैं। प्रकृति भी समय समय पर अपनी स्थिति में बदलाव करती रहती है। नोटिस कीजिएगा कि कभी 4-5 साल के बाद यदि हम अपने गांव या शहर जाते हैं, तब हमें वहां सब चीज़ बदली बदली नज़र आती है। पास पड़ोस, दुकानें, गली मोहल्ले, सब कुछ ऐसा लगता है मानो ये हमारा है ही नहीं, क्योंकि ये बदलाव हर जगह हो रहा है, हो चुका है काफ़ी हद तक। और नित नए नए प्रयास किए जा रहे हैं प्रगति की ओर कदम बढ़ाने के। जैसी स्थिति और एक जैसा माहौल आदमी को बीमार कर देता है, उसे पंगू बना देता है, कुएं का मेंढक बना देता है, उस व्यक्ति की सोच और उसका विकास बहुत सीमित हो जाता है। कहते हैं, सांप यदि अपनी केंचुली नहीं बदलता तो उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्त, हमें समय समय पर अपने विचारों का विश्लेषण करना चाहिए, अपनी मान्यताओं को समझना और परखना चाहिए, और जो जरूरी बदलाव हो वो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस बदलाव से नई ताजगी मिलती है, नई रोशनी मिलती है और नई खुशी मिलती है, जिससे हमारा जीवन ऊर्जा से भर जाता है और हम कोई भी नया कार्य करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके होते हैं। देखिए, दुनिया तो अपनी रफ्तार से बढ़ती ही जा रही है, हमें उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, और जो ये कदम नहीं मिला पाएगा वो पीछे रह जाएगा। परंतु यहाँ एक चीज़ ध्यान देने योग्य है दोस्तों, कि बदलाव बेहद जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपनी मॉरल वैल्यूज़ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, इस बदलाव को अपनाते हुए, हंसते हुए, स्वस्थ रहते हुए और मस्त रहते हुए एक्सेप्ट करना है। जी हाँ, यदि हम खुश हैं, हमारा मन प्रसन्न है और हम स्वस्थ हैं, तो हर बदलाव एक्सेप्ट करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय गाइस, सी यू सून।